निगम भिलाई निगम क्षेत्र को खूबसूरत बनाने शहर भर में जगह जगह महापुरुषों सहित सुप्रसिद्ध स्थानों को स्मारक के तौर पर स्थापित किया है, परंतु इनके निर्माण के बाद से इसके रखरखाव में लापरवाही बरतने की वजह से ये सभी खंडहर में तब्दील होने लगे। किसी भी शहर की शोभा बढ़ाने के लिए वहाँ की शहर सरकार अपने शहर के हर चौक चौराहों पर कुछ ऐसा करती है जिससे वह पहचान बन जाता है, और जब कोई किसी अन्य शहर जाता है तो वहाँ की उन्हीं चीजों को अपने जहन में बसा लेता है और दूसरों को बताता भी है। ठीक इसी तरह नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र में भी भिलाई शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हर चौक चौराहों पर कई खूबसूरत स्मारक बनाए गए हैं, परंतु यह स्मारक अब शहर की खूबसूरती बढ़ाने के बजाय शहर की खूबसूरती पर एक बदनुमा धब्बा बनते जा रहे हैं। भिलाई शहर के घड़ी चौक सुपेला पर इसी तरह 7 अजूबों को सजोकर एक स्मारक बनाया गया था, जो कि नगरपालिक निगम भिलाई की लापरवाहियों की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। सही रखरखाव के अभाव में शहर की शोभा बढ़ाने वाला यह स्मारक अब खंडहर में तब्दील होने लगा है। स्मारक परिसर में छोटी झाड़ियों ने अब बड़े पेड़ का रूप ले लिया है और अजूबों के कुछ हिस्सों को ढक भी लिया है, और कई वर्षों से रंग रोगन न होने की वजह से इसकी चमक भी अब फीकी पड़ने लगी है। जब इसका निर्माण हुआ था तब इसमें प्रकाश व्यवस्था भी बखूबी की गई थी और यह कुछ सालों तक आकर्षण का केंद्र भी बना रहा, परंतु अब शहर का यह स्मारक अपनी बदहाली की दास्ता खुद कह रहा है। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा घड़ी चौक सुपेला पर एक मॉन्यूमेंट बनाया गया था जिसमें 7 अजूबों को दिखाया गया था, लेकिन जिस प्रकार से आज इसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं, जो हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया है, बिल्कुल यह नगर पालिक निगम भिलाई की लापरवाहियों का एक साक्षात नमूना है। जो किसी भी चीज़ को शहर के सौंदर्य के लिए बना दिया जाता है, लेकिन उसकी देखरेख नहीं की जाती, यूँ कहें बिल्कुल इसे अधूरा छोड़ दिया जाता है, इसकी देखरेख नहीं की जाती है, जिसकी वजह से शहर के काफ़ी ऐसे स्मारक बने हुए हैं, काफ़ी ऐसे मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो कि भिलाई के सौंदर्य के लिए बनाई गई थी, लेकिन नगर पालिक निगम भिलाई कहें या टाउनशिप क्षेत्र में भी अगर कहें, इस तरह के कई ऐसे जगह हैं, BSP की उदासीनता कहें, भिलाई इस्पात संयंत्र की उदासीनता कहें, इनकी वजह से, इनकी लापरवाहियों की वजह से आज भिलाई शहर अपनी शान, अपनी शौकत खोता जा रहा है। ज़रूरी होगा कि नगर पालिक निगम भिलाई जल्द से जल्द अपने द्वारा बनाए गए शहर के सौंदर्य बढ़ाने के लिए बनाए गए ऐसे जगहों पर कर्मठता से वापस काम करे, इनकी देखरेख करे, ताकि भिलाई शहर की शोभा खराब ना हो। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा।